मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का इंसाफ की आवाज में। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जमशेदपुर उत्पाद विभाग की ओर से परसुडी में छापामारी कर अवैध शराब फैक्ट्रियों से सैकड़ों लीटर शराब जब्त की है। बता दें कि सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देश अनुसार परसुडी थाना अंतर्गत पुराना गदड़ा के बगान टोला में अर्धनिर्मित घर में चल रहे हैं अवैध मिनी विदेशी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया जा रहा है, जहां से शराब बनाने में प्रयुक्त विभिन्न सामग्री सहित 42 पेटी में लगभग 370 लीटर बोतल बंद विभिन्न ब्रांड के अवैध विदेशी शराब बरामद कर जब्त किया गया है। वहीं 500 स्टीकर एवं ढक्कन और 1000 खाली बोतल भी बरामद की गई है। इधर विभाग ने अवैध फैक्ट्री के फरार संचालकों के प्रति अभियोग दर्ज कराया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आंशिक लॉकडाउन एक बार फिर 16 से 27 मई तक बढ़ा दी गई है, लेकिन इस बार 33 चेक पॉइंट के माध्यम से बेवजह घूमने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। झारखंड सरकार के नए गाइडलाइंस के तहत 16 से 27 मई तक लॉकडाउन के लिए सख्त नियम लागू किया गया है, जिसके तहत बेवजह घूमने वालों की अब खैर नहीं है। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को लेकर पूरी तैयारी कर ली है, जिसमें इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर सिटी के लिए 33 चेक पॉइंट स्थापित की गई है, जिसके माध्यम से जिले और शहर में प्रवेश करने वालों पर सख्ती से नजर रखी जाएगी। इसके तहत शहर में और शहर से बाहर जाने वाले निजी वाहन से जाने वालों को ई पास लेना अनिवार्य है, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे अस्पताल और शमशान घाट जाने वालों को छूट दी गई है। स्थापित किए गए 33 चेक पॉइंट पर 24 घंटे मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस मौजूद रहेंगे। वहीं शहर में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर दंड स्वरूप 500 रुपए वसूला जाएगा। वहीं बेवजह घूमने वालों पर केस दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। इधर एएसपी डॉक्टर तमिल वानन ने नए गाइडलाइंस को लेकर शहर वासियों से अपील की है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए झारखंड सरकार ने जो नियम तय किए हैं उसमें आम जन सहयोग करे, ताकि कोरोना वायरस के चक्र को तोड़ा जा सके। और शहर वासियों से यह भी अपील की है कि जो लोग प्रत्येक दिन बाजारों में जाकर आवश्यक सामान खरीदते हैं, वे अब सप्ताह में 2 दिन ही खरीदारी करने घर से निकला करें, ताकि कोरोना वायरस से लोग सुरक्षित रह सके। डीटीओ जमशेदपुर में काम कर रहे हैं, और कोई भी आदमी यदि मेडिकल पर्पस के लिए जाएंगे या लास्ट वेट करने के लिए जाएंगे तो उन लोगों के लिए ई पास का जरूरत नहीं है। और इसमें हम लोग सभी को सेंसिटाइज करा रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स लोगों को, जवान लोगों को, मैजिस्ट्रेट को, कि पहचान कैसे करेंगे यदि सही में वो मेडिसिन लेने के लिए जा रहे हैं या मेडिसिन झूठ बोल के मेडिसिन ले रहे हैं करके झूठ बोल के इधर उधर घूम रहे हैं। तो हम लोग हर जगह पे जो उसका चेक पोस्ट बना रहे हैं तो उसमें हम लोग उसको वेरीफाई भी कराएंगे। और हम लोग पुलिस को यही दिए हैं, यही मतलब कि हम लोग डायरेक्शन दिए हैं कि इनका इसका ट्रू स्पिरिट ये है कि हम लोग को मूवमेंट को बिल्कुल अननेसेसरी मूवमेंट को बिल्कुल बंद करना है, और जो वायरस का संक्रमण का जो चेन है उसको तोड़ना है। और ये हम लोग जमशेदपुर पुलिस जो है काफ़ी कड़ी कदम उठाएगी इसको लागू करने के लिए, क्योंकि इस बार पुलिस के ऊपर बहुत सारा रिस्पांसिबिलिटी है ये लॉकडाउन को हम लोग को 100% इसको सक्सेसफुल करने के लिए। और सेम समय में हम लोग मानवीय रूप में देखेंगे कि जैसे सही में कोई बंदे जो है किसी काम के लिए जा रहे हैं तो उनको परेशानी या उनको हरासमेंट जो है बिल्कुल कम करें, इस चीज़ को हम लोग बार बार जो है इसमें ब्रीफिंग करके हम लोग पोस्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं। जो इस दौरान जो ऑनलाइन जिस तरह से होम डिलीवरी का व्यवस्था जो है खाने का वो जारी रहेगा, हाँ इसमें आदेश में स्पष्ट है कि आपका ई जो कमर्शियल ई साइट्स है, जो कमर्शियल आपका अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये 2 बजे तक सामान डिलीवरी भी कर सकते हैं, 2 बजे तक किसी घर से या दुकान से सामान उठ भी सकते हैं। कुरियर है, इसमें आप 24 घंटे के लिए दिया हुआ परमिशन कुरियर सर्विसेज रह सकता है। और जो खाना है वो आपका कोई प्रतिबंधित नहीं है, होटल आप खोल सकते हैं और उसका जो लिमिटेड टाइम है उस समय में, लेकिन डाइनिंग अलाउ नहीं करेंगे और खाना पैक करके ले जा सकते हैं, जैसे जोमेटो हो गए, स्विगी हो गए। लेकिन इनके पास बंदे जो मूवमेंट करते हैं उनके पास प्रॉपर आधार आईडी कार्ड होना चाहिए। यदि उनके जो एम्प्लॉयर है, जैसे कुछ फैक्ट्रीज में हम लोग ये मान रहे हैं कि टाटा मोटर्स और टेल्को में ई पास की जरूरत नहीं है, जो काम कर रहे हैं शिफ्ट बेसिस पे, वो लोग अपना वर्कर आईडी को हम लोग ई पास मानेंगे, हम लोग को डिसाइड किए, क्योंकि बहुत सारा लोग हैं, करीब 40,000 का लोग हैं, ई पास करने में सिस्टम का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन लोगों को जो वर्किंग लिमिट, वर्किंग जो पास है, शिफ्ट का जो पास है, वो पास हम लोग उनको वर्किंग पास मानेंगे। सेम समय में जो यदि कोई दुकान चला रहे हैं, स्वीट स्टॉल चला रहे हैं या कोई
ग्रासरी दुकान खोल रहे हैं तो उनका आपको प्रूफ करने के लिए यदि उनके पास लाइसेंस होगा, ट्रेडर लाइसेंस होगा तो लाइसेंस दिखा सकते हैं, यदि या नहीं तो फिर उनका जो दुकान का मालिक है वहाँ जो काम करने वाला आदमी है उनको उन्होंने सर्टिफाई भी कर सकते हैं कि ये बंदा जो है मेरे साथ काम करते हैं, तो उनको आधार कार्ड के साथ वो सर्टिफाई भी करेंगे तो हम लोग चेक करके उनको भी छोड़ेंगे, लेकिन बिना किसी काम का कोई घूमेंगे तो उनको विधिवत हम लोग फाइन भी लगाएंगे और केस भी दर्ज करेंगे। सर, निर्गत नियम का पालन नहीं करने वाले ऐसे लोग पकड़ाएंगे तो उनके लिए क्या कार्रवाई है? उनके लिए जो पहले से है बिना मास्क जो जा रहे हैं उनके लिए हम लोगों का 500 का जुर्माना करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन करने पे हम लोग 500 रुपया का जुर्माना वसूलेंगे, और जो नया में अभी बिना किसी पर्पज का घूम रहे हैं तो सीधे हम लोग उनके ऊपर केस दर्ज करेंगे, केस दर्ज कर अग्रतः कार्रवाई। सर, इंटर स्टेट और इंटरस्टेट हम लोगों का जो चेक पोस्ट है ये हम लोगों के साथ जो झाड़ग्राम जिला है बंगाल का उनके साथ, और मयूरभंज जिला है उनके साथ जमशोला बॉर्डर में, और पुरलिया के साथ हमारा बॉर्डर में कटिंग में, और मयूरभंज जिला के साथ हमारा जो है किरिंग और हाथाइस एरिया में हम लोगों को इंटर स्टेट बॉर्डर है, और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे हम लोगों का सरायकेला के साथ है, उसमें ये आपका आदित्यपुर हो गए, दो महानी ब्रिज हो गए, नयू पदमा ब्रिज हो गए और पारडी हो गए, इस जगह पे हम लोगों को इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है। तो इस बॉर्डर पे हम लोगों को 24 घंटे हम लोग चेक नाका चालू कर रहे हैं, कल सुबह से 3 शिफ्ट में काम करेंगे, हर शिफ्ट में एक मैजिस्ट्रेट मिलेंगे आपको, एक पुलिस ऑफिसर मिलेंगे और पर्याप्त मात्रा में आपको जवान मिलेंगे, और हर 8 घंटे में ये लोग शिफ्ट चेंज करेंगे, और जो भी बाहर से आने वाले हैं उनका ये जो अभी आदेश आया है इसमें सब ब्रीफिंग किया है कि उनका ई पास चेक करना है, और किसी भी गुड्स व्हीकल है ऑप्शन लोडेड ट्रक का इसी को कोई हम लोगों का पास का जरूरत नहीं है, कमर्शियल व्हीकल का पास का जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भी पर्सनल व्हीकल यदि जिला के अंदर मूव करेगी तो उनको पास चेक किया जाएगा, और यदि जिला से बाहर किसी काम के लिए जा रहे हैं तो वो भी हम लोग चेक करेंगे कि ये उनके पास रेलवे टिकट है या फ्लाइट टिकट है, किस कारण के लिए बाहर जा रहे हैं, ये चीज़ ब्रीफ किया गया है। इसके अलावा जो भी बंदा आते हैं रैंडमली हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट से हम लोग टेस्टिंग भी करा रहे हैं, यदि कोई उसमें प्रूफ पाए जाते हैं, पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको आइसोलेशन सेंटर लेके जाएंगे, यदि पॉजिटिव नहीं पाए जाते हैं तो उनका हम लोग रजिस्टर कराते हैं, व्हीकल का नंबर और पैसेंजर का नाम, कितने पैसेंजर जा रहे हैं और उनका मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर, ताकि उनको 7 दिन तक अनिवार्य क्वारंटाइन में रहना होगा जमशेदपुर के अंदर में घर पे, और वो हम लोग 1-2 दिन बाद फोन करके अपने माध्यम से जो भी माध्यम है अपने माध्यम से उनको चेक कराएंगे। यदि वो कोई खड़गपुर से अपना पटना जा रहे हैं तो बारागोड़ा पोस्ट में आएंगे तो यही पूछा जाएगा कि उनको गाड़ी नंबर, पैसेंजर नंबर, मोबाइल नंबर नोट करके उनको हम लोग छोड़ देंगे, वो सीधे अपना दूसरा डिस्ट्रिक्ट गुजर के रांची जाके वो अपना पटना कहीं भी जा सकते हैं। बीच में हम लोग 2 या 3 दिन बाद एक बार जरूर चेक करेंगे कि ये बंदे जो है झूठ बोल के तो अंदर तो नहीं रह रहे हैं, वो भी हम लोग चेक करेंगे कि पिछले बार हम लोग को मिला था कि बाहर जा रहे हैं करके बोल के लेकिन जमशेदपुर में वो लोग पाए गए थे तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई किए थे, उसी को भी हम लोग कैंसिल करा रहे हैं। लोगों को मेरा जो पूर्व सिंहभूम समस्त वासियों को मेरे तरफ से जो अपील है कि अभी कोरोना जो संक्रमण है काफ़ी सेकेंड वेव काफ़ी आक्रोशित ये चल रही है और इसका इन्फेक्शन रेट है काफ़ी ज़्यादा है, तुरंत इन्फेक्शन हो जाते हैं हम लोग, तो इसमें जो माननीय सीएम और माननीय झारखंड सरकार का द्वारा ये जो नया जो गाइडलाइंस आया है, नया जो रिस्ट्रिक्शंस आया है 11 दिन के लिए कल से लागू होकर 27 दिन तक, इसको 100% अपना पालन करें। यदि पहले आपने घर से सब्जी लेने के लिए हफ्ता में 3-4 बार निकलते हैं तो अभी मत निकलिए, एक ही बार लेके जाइए सब्जी और जो भी सामान ग्रासरी है एक ही बार ले जाइए, क्योंकि हर कदम में आपसे पुलिस आपने पूछेगा, अपने आइडेंटिटी देने के लिए अपना जरूर पूछेगा, आपके पास ई पास होना चाहिए तभी आप अननेसेसरी इवन विद इन डिस्ट्रिक्ट भी आप भ्रमण कर सकेंगे, और बाहर जो जिला जाना है या बाहर से किसी सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा संचालित कोविड केयर सेंटर के लिए SBI पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से 1,00,000 रुपए की राशि अनुदान में दिया गया है। बता दें कि पिछले दिनों शहर में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए साक्षी स्थित सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से मॉडर्न स्कूल परिसर में कोविड केयर सेंटर का निर्माण किया गया था, जहां आने वाले संक्रमित मरीजों को निशुल्क सेवा दी जा रही थी। उन्हें ऑक्सीजन से लेकर भोजन की व्यवस्था भी CGPC के द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि CGPC के इस जन सेवा को देखते हुए कई सामाजिक संस्थाएं भी उन्हें सहयोग कर रही है। इसी के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से 1,00,000 रुपए की राशि अनुदान स्वरूप CGPC कमेटी को सौंपी है। बता दें कि एसोसिएशन द्वारा दी गई इस राशि को लेकर कमेटी ने आभार प्रकट करते हुए उनके द्वारा दिए गए इस राशि से ज्यादा मरीजों के इलाज के साथ सेवा करने का प्रयास करेंगे। ये
सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से पिछले दिनों कोविड केयर सेंटर का संचालन शुरू किया गया। उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो कोविड मरीज हैं, प्रथम दृष्टि में उन्हें ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होता था, तो कई ऐसी मौतें हुई जिनका कारण ऑक्सीजन नहीं मिलना था। तो ऐसे में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यह तय किया था कि हम लोग कोविड केयर सेंटर खोलें और वैसे लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं और साथ ही साथ भोजन, दवा, सारा प्रबंध हम लोग उपलब्ध कराएं, जिससे कि जो ये पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे जमशेदपुर झारखंड में जो त्राहिमाम मचा हुआ, उसमें कुछ राहत मिले। वैसी परिस्थिति में हमने कोविड केयर सेंटर शुरू किया और उसमें विभिन्न संगठनों से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। आज हमें स्टेट बैंक ऑफ पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष त्रिलोचन सिंह कलसी जी और चमक सेन गुप्ता सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने, उनकी टीम ने आज सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को 1,00,000 रुपए जो है वो डोनेशन के तौर पर दिया है, सहायता के तौर पर दिया है। तो मैं निश्चित रूप से सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इन्होंने जिस तरह मानवता की सेवा के लिए आगे हाथ बढ़ाया है, CGPC को सहयोग किया है, उसके लिए मैं इनका पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। इधर लॉकडाउन में भी चोरों का आतंक जारी है। परसोडी थाना अंतर्गत आकाश ट्रेडिंग के गोदाम में सुरंग बनाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि एक तरफ वैश्विक महामारी में जहां लोग कोरोना संकट से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चोरों का आतंक भी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा मामला परसोडी थाना अंतर्गत परसोडी मंडी का है, जहाँ चोरों ने व्यवसायी राजेश अग्रवाल के दाल गोदाम में सुरंग बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों द्वारा इस घटना को कितने दिनों से अंजाम दिया जा रहा था, इसकी जांच पड़ताल परसोडी पुलिस द्वारा की जा रही है। शनिवार को लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए जैसे ही कर्मचारी गोदाम पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि गोदाम के अंदर सुरंग बना हुआ है और गोदाम के पीछे दाल का कट्ठा गिरा हुआ है। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि चोरों द्वारा लगभग 10,000 मूल्य के दाल के कट्ठे पर हाथ साफ किया गया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जितने भी परसोडी मंडी के गार्ड है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। वही पुलिस ने जांच का हवाला देते हुए कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है। देखिए, अब की कर्मचारी आके बोला कि जे भाई, इतना माल के, मतलब दुकान में उठाया है तो देखा पीछे दीवार कटा हुआ है। दीवार कटा हुआ पीछे जाके देखे तो देखे कि ये 10-12 कट्टा बाहर में पड़ा हुआ है। लगभग 3-4 कट्टा, 5 कट्टा का माल शॉर्ट है और 10,000 के लगभग, मतलब ये जो 10 कट्टा का मूल्य कितना होगा? लगभग 10,000 रुपया। ये किसके, कौन है यहाँ के जो मालिक, कौन है, क्या नाम है उनका? आकाश ट्रेडिंग कंपनी। क्या नाम है उनका? राजेश कुमार अग्रवाल। वो नहीं है यहाँ शहर में? वहाँ नहीं है, बाहर में। पुलिस आई है, जांच पड़ताल कर रही है, कुछ पता चल पाया अब तक? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। आसपास CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है? खंगाला जा रहा है, लेकिन अभी पता नहीं चला। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार। आप ही के देख रेख में है गोदाम अभी? हाँ, देख रेख में। और इसी के साथ हमारा आज का यह वीडियो यही संपन्न होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि देश विदेश से जुड़ी हर खबरें सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।